खबर आपको बता दें, ईरान ने कहा है कि वो केरमान में हुए आतंकी हमले का जवाब जल्दी देगा। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल और अमेरिका को दोषी ठहराया है। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। केरमान में आत्मघाती धमाके हुए थे जिसमें मरने वालों की तादाद 91 पहुंच चुकी है। ईरान ने कहा कि वो इस हमले के लिए जिम्मेदार ताकतों को छोड़ेगा नहीं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से किरमान की ओर से ये पूरा बयान सामने आया। अब ईरान ने अब तक जो भी धमकी दी उसे इसराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। यमन का मिलिशिया हुती अब ईरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है। हुती विद्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा, वहीं अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए वो भारत के कमांडो ऑपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है। वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जुटा सकते हैं। ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशहूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं। देखिए कैसे भारतीय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े। कमांडो जहाज पर सवार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। एक एक कोने की तलाशी ली जाती है। जहाज पर कब्जा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है। पूरी खबर यह है कि भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक कार्गो जहाज को मुसीबत से बचा लिया। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा कर दी। भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कार्गो जहाज पर बंधक बनाए गए 21 लोग छोड़ा लिए गए। इस कमांडो ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप MV लीला शिप को बचाकर दिखाया है। इस कमांडो एक्शन में इंडियन नेवी की स्पेशल समुद्री कमांडो फोर्स मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है। ये जान की बाजी लगाने जैसा है, दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है। भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप MV लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किए गए, इसमें P-8I टोही विमान भी शामिल रहा। इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गई और फिर जब भारत के मार्कोस ने MV लीला जहाज पर चढ़ाई की तो जीत भारत की हुई। इस जहाज के आसपास कई मतलब 5-6 धाउज और फिशिंग बोट्स वगैरह थे, तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है, और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट्स ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे सेकंड PHI जाके इसको, जो फर्स्ट PHI है उसको ऑन द स्पॉट रिलीव करेगा, और उसके बाद एक सी गार्डियन भी जाएगा ताकि वो सिचुएशन को मॉनिटर करे और वीडियो वगैरह हमें रिले कर सके। सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस वक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है। क्या अमेरिका के सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजोर है? क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने 2 घंटे में ऑपरेशन करके दिखाया है। भारत ने हर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके समुद्री लुटेरों को डरा दिया, भगा दिया। अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है, आखिर उसका कैरियर हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया? जब गाजा में इसराइल की बमबारी चल रही है, जब लेबनान बॉर्डर पर इसराइल और हिजबुल्ला की टक्कर हो रही है, तब हिंद महासागर के एक पश्चिमी कोने में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। हालात बहुत ज्यादा खराब है
और अब यहां युद्ध का ऐसा खतरा है कि सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते हैं। इस वक्त अमेरिका को एशिया के तीन इलाकों में चैलेंज मिल रहा है। चैलेंज नंबर एक अरब सागर, चैलेंज नंबर दो आदेन की खाड़ी, चैलेंज नंबर तीन लाल सागर। इस वक्त हूथी विद्रोही लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट बना रहा है, इसीलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनात की हुई है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमला जरूर होगा। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية. हूथी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसराइल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललकारा है, यानी हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। इसमें अमेरिका और इसराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहरीन है, यूरोप के बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और सिंगापुर भी। ये अमेरिका को जवाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की शुरुआत की है। وضحاً ومعلناً للدول التي تفصل جغرافياً بيننا وبين فلسطين المحتلة لتفتح منافذ مرور وعبور برية ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. अमेरिका ने जब से इस मल्टीनेशनल फोर्स को बनाने की पहल की है वो हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर आ गया है, और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है। हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टारगेट बना सकता है, और ऐसा वो लाल सागर में करेगा, ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा। ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं, और इसके लिए यह गठबंधन यमन पर हमला करने की भी धमकी दे रहा है। दरअसल अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबो दिए जाएंगे। अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूब जाएगा। हूथी विद्रोहियों से इजराइल के बाद अब अमेरिका को भी खतरा बढ़ गया है। हूथी विद्रोही दिखा चुके हैं कि वो जहाज पर कैसे कब्जा करते हैं, वो कैसे इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर वाला ऑपरेशन इसका सबूत है। इस हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजे पर दो झंडे लगे हैं, एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है, दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। देखिए रेड सी में क्या हुआ। हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए, लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं। जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है।
शिप के स्टाफ की तरफ राइफल तान। ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर क्रू मेंबर हैंड्स अप करके हमलावरों की टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है। ऐसे हमलों को रोकने में अमेरिका और यूरोप के देश नाकाम साबित हुए। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद हूथी विद्रोहियों का सामना नहीं कर पा रहा। यमन के हूथी विद्रोही जब किसी जहाज पर कब्जा करते हैं या उस पर हमला करते हैं तो उसे चारों तरफ से उनकी स्पीड बोट घेर लेती है और फिर जहाज उनके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे में भारत के कमांडो ऑपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है। भारत ने बता दिया है कि जहाज पर कब्जा हो तो कैसे लड़ा जाता है, लेकिन अमेरिका की हिम्मत हूथी विद्रोहियों के खिलाफ दिखाने में अब तक नाकाम रहा है और इसका खामियाजा अब इजराइल ही नहीं पूरा यूरोप भुगत रहा है। यमन के हूथी विद्रोही जो गाजा पर इजराइल की बमबारी रोकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला करने की कसम खाई है। फिलहाल हूथी इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इजराइल से जुड़े जहाजों के खिलाफ न सिर्फ हमले किए बल्कि उनको अगवा भी किया है। इन हमलों ने कई कंपनियों को माल की आवाजाही रोकने पर भी मजबूर किया है। इसी वजह से अब कार्गो जहाज अदन की खाड़ी और लाल सागर के करीब भी नहीं आना चाहते हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र के स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इसराइल जाना है तो रास्ता 10000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा, 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वर्क और कारोबार पूरी तरह चौपट, यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में भारतीय नौसेना का वीडियो अमेरिका के लिए एक सबक है। ये वीडियो देखकर बाइडेन चाहे तो अपनी नेवी को ऑर्डर दे सकते हैं। ये वीडियो देखकर अमेरिका अपना डर खत्म कर सकता है। ये वीडियो देखकर अमेरिका के मशहूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से ऑपरेशन करना सीख सकते हैं। भारत के मार्कोस कमांडो देश के शक्तिशाली कमांडो फोर्स में से एक है। में बने मार्कोस बहुत ही तेजी से ऑपरेशन करते हैं। इन्हें अमेरिका के नेवी सील्स की तर्ज पर ही तैयार किया गया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज ये ऐसे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लॉन्च करने से घबराने लगा है। दरअसल इस वक्त लाल सागर में बहुत आग है, इस वक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है, इस वक्त लाल सागर में वॉर जोन भड़कने की कगार पर है। अगले 48 घंटों के अंदर लाल सागर, यमन और इजराइल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्चिम एशिया गाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूब सकता है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इजराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है, लिहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी ईरान से बेहद करीबी है उन्होंने इजराइल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इजराइल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है। Houthi seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. देखा जाए तो अब लाल सागर में अमेरिका अकेला पड़ गया है, क्योंकि जब अमेरिका घबराया हुआ है तो बाकी छोटे देश कैसे हूथी विद्रोहियों के एंटी शिप मिसाइल का सामना करेंगे, ये सवाल अब बाइडेन से पूछे जा रहे हैं। अमेरिका ने जब से हूथी विद्रोहियों को टारगेट किया है उसके 10 लड़ाके मार गिराए हैं, तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर, नए वॉर जोन में अब मचने वाला है महाबवंडर।